अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माशाल्लाह आज से जो है लैलतुल कद्र शुरू हो चुकी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे घर में चल रही है इबादत और ये मिडनाइट है। डैडी अपना कुरान शरीफ पढ़ने में लगे हुए हैं, मम्मी अपना कुरान शरीफ पढ़ रही हैं और शरीन अपना कुरान शरीफ पढ़ी हो, मैंने भी कुरान शरीफ पढ़ा है। और देखिए मैं भी कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ और ये मेरे वालिद का कुरान शरीफ है। ये कम से कम 200 साल पुराना कुरान शरीफ है। दिखाएं, देखिए कि ये किस तरीके का कुरान शरीफ है। माशाल्लाह इतने छोटे अल्फाज, छोटे उसमें लेटर्स में अल्फाज लिखे हुए हैं, छोटे साइज में। और ये मेरे दादा पढ़ा कर रहे हैं। आप जैसे मुझको बता रहे थे ये तकरीबन 200 साल पुराना कुरान शरीफ है, और भी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि ये कहाँ लिखा गया था, कहाँ से ये लिया गया है, दादा ने कहाँ से लिया हुआ होगा। ये दादा ने लिया नहीं है, दादा जी के भी बुजुर्गों का है ये। दादा के भी बुजुर्गों का है, मतलब पर दादा और लोग। अच्छा, इंचे टाइप का है, पर नाना का। अरे वाह, उनके पर नाना का है। और उस जमाने में, जिस जमाने में हिंदुस्तान पाकिस्तान सारे मुल्क एक हुआ करते थे जी, उस जमाने का है ये लाहौर कश्मीरी बाजार में कहीं प्रिंट हुआ है। अच्छा, हाँ, ये सारा ये देखिए, ये लिखा है मालिक दीन मोहम्मद एंड सन्स ताजिर इन किताब लाहौर कश्मीरी बाजार। ये उस जमाने का है जबकि हिंदुस्तान पाकिस्तान सारा एक ही हुआ करता था। और आपने कितना माशाल्लाह संभाल के रखा हुआ है, दादा की एक निशानी है ये, उनकी निशानी है। हाँ, ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है ये। और कितनी, मतलब ये तो हम देख ही चुके हैं कितना माइन्यूट और इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है। और इसको आप ये देखिए, जो हमारे बुजुर्ग हैं, खास करके जो हमारे वालिद हैं, वालिद तक आते आते कितना संभाल के रखा हुआ है कि आज भी इसका कोई बेशहीद नहीं है। सही बात है, क्रिस्प एकदम। हाँ, और हम इसको पढ़ने में जितना सुकून मिलता है, एक तो ये कि आपका जुड़ाव अपने बुजुर्गों के साथ में, दूसरा इतना पुराना कुरान शरीफ जिसमें आप पढ़ते हैं तो आपका एक रिश्ता अपने बुजुर्गों के साथ भी जुड़ता है। और जितना संभाल के रखा है ये हम तक आया है, आखिर में हम ये चाहेंगे ये आप तक जाए और आपसे भी आगे जो फ्यूचर जेनरेशन है, जो कमिंग जेनरेशन है हमारी, उन तक ये आगे जाए इंशाल्लाह। प्लीज़ इबादत करें जैसे हम सब कर रहे हैं और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें एट द सेम टाइम। एंड हम लोग अब थोड़े में फजर पढ़ेंगे और उसके बाद हम सोने जाएंगे सहरी करके। तो मिलते हैं, अपना देखते हैं आज क्या हम नया करने वाले हैं और आपको अपडेटेड रखेंगे। अल्लाह हाफिज़। 2000 years later. Hello everyone, assalamu alaikum and welcome back once again to my YouTube channel. कल रात को हम सब ने बहुत इबादत की तो थोड़ा सा लेट उठे और उसके बाद as usual घर के रोज़मर्रा के काम में लग गए। So I'm starting the day a little late this time. ऑल्सो मम्मी बोल के मुझे थक चुकी हैं कि मेरा ये पार्सल आया हुआ है एंड हैज़ अ लॉट ऑफ घर के बर्तन। कोई तो सम ब्रांड है सेंडर पीआर पैकेज विच इज़ ह्यूज, और बहुत सारा सामान है और बहुत सारा काम का सामान है। तो होपफुली वी विल अनबॉक्स दिस टुडे, इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्टफ है ना अब्बा, काम की बहुत सारी। पूरा दिन बिजी था काम करने के लिए, अब मैं जाके जरा देखता हूँ लोग कर क्या रहे हैं। बताइए क्या हालत है। ये देखो बेचारी कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते सो गई। बुच्चू क्या चल रहा है? ये फॉग चल रहा है भाई साहब, हम अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। नींद आ जाती है कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते? हाँ, नींद आती रहती। मैं तो कुरान शरीफ पढ़ता हूँ ऐसे पढ़ते पढ़ते, मगर रेगुलर पढ़ोगे तो नींद नहीं आएगी बेटा। वो तो रेगुलर पढ़ती है, वो रात भर की जागी है। तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अस्तग़फ़िरुल्लाह, मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैंने लैलतुल कद्र की इबादत नहीं करी, जबकि मैंने ही करी है सबसे ज्यादा इबादत। ये लोग तो बस क्या टाइम पास कर रहे हैं ये लोग और कुछ नहीं। और ऐसे लग रहा है मैं करूँ, मम्मी मैं कुरान शरीफ नहीं पढ़ता। तो माशाल्लाह ऑफिस के साथ तो कुरान शरीफ पढ़ दो। यो ना बात, क्या कर रहा है? हैं, वुजू करके निकला हूं।
आज लैलतुल कद्र है, सेकंड लैलतुल कद्र है, सेकंड लैलतुल कद्र है, तो नफिल पढ़ रहा हूँ अभी। मैंने तस्बीह पढ़ी है अस्तगफार की का। बहुत बरकत का महीना है और इबादत का महीना है, और जितनी ज्यादा ज्यादा आप लोग अपनी माफी मांग सकते हैं, एक एक मोमेंट कीमती है, कभी भी अल्लाह कोई भी करे। सही बात है। क्या कर रही हैं? पैदवार नहीं मम्मी, अल्लाह मुझे आप गुनाह में शामिल कर रही है कैसे भाई? ऐसी अगर सास कहीं मिल जाए ना, बता देना मुझे। काहे मुस्कुराए जा रहा है, काहे काहे। मैं बहुत सारी चीज़ों का अलग अलग व्लॉग, अलग अलग कंटेंट डालूंगा इस व्लॉग के अंदर, लेकिन ये व्लॉग स्पेसिफिकली आज लैलतुल कद्र पे ही रहेगा। और मैं डैडी से मैं इनफैक्ट पूछूंगा, और ताकि आप लोग को भी पता लगे कि इस रात की अहमियत क्या है और ये क्यों मनाई जाती है और इसकी अहमियत क्या है, ये हम सबको पता होना चाहिए। अगर किसी को नहीं पता तो उसके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो डैडी, हमारी ऑडियंस को बताएं प्लीज कि ये रात की अहमियत क्या है। लैलतुल कद्र, ये जो रमज़ान का महीना है ख़ास करके, तो रमज़ान का महीना बहुत मुबारक महीना है, और इस महीने की फजीलत ये है कि कुरान शरीफ का जो नुज़ूल है वो इस महीने के अंदर हुआ है। नुज़ूल का मतलब नाजिल हुआ है, कुरान शरीफ आया है। हाँ, आना शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ है, यानी कि कुरान शरीफ जो है आयतों की शक्ल में आया है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए वही आती थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और इस तरीके से वो जो है छोटे छोटे चैप्टर, छोटी छोटी आयतें वो इस शक्ल में वो आती थी। तो यहाँ से शुरुआत हुई है यहाँ पर इस महीने में। लेकिन ये किसी को इल्म नहीं है कि इस पूरे महीने में किस दिन से कुरान शरीफ आना शुरू हुआ, कब नाज़िल, कब हुआ है, उतरा कब है। हाँ, यानी कि ये पूरा महीना इबादत का है, लेकिन अहकामात कुछ इस तरीके से हैं कि ख़ास करके ये माना जाता है कि रमज़ान का आखिरी अशरा, आखिर के ये 10 दिन, लास्ट के जो 10 दिन हैं इसमें, लेकिन इस 10 दिन में से भी कुछ ये मानना है कि जो ताक रातें हैं, जैसे कि 5 रातें हो गई ताक, 21 हो गई, 23 हो गई, 25 है, 27 है, 29 है, इन किसी एक रात के अंदर से स्टार्ट हुआ है, आया है। और इसमें से भी एक फजीलत बनाई गई है, ये सोचा जा रहा है या ऐसा ख्याल है कि इसमें से भी 27 तारीख की जो है लैलतुल कद्र वो है उसमें आया है। तो ये पूरा का पूरा अशरा इबादत का है, इबादत का तो पूरा रमज़ान का महीना है, लेकिन ख़ास करके ये पूरा अशरा। और जो लोग पूरा अशरा नहीं कर सकते तो वो लैलतुल कद्र की ये 5 रातों के अंदर खूब ज़्यादा इबादत। अशरा का मतलब क्या है, थोड़ा सा लास्ट का पीरियड, लास्ट का पीरियड है। आप कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं उसका मैसेज आपको मिल रहा है, लेकिन इबादत एक में जो दुआ है वो आप आजिज़ी के साथ में, इंकसारी के साथ में, गिड़गिड़ा के आप अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह से रुजू हैं डायरेक्ट। तो आप वो मांगिए, उससे दुआएँ मांगिए, क्योंकि फरिश्ते आते हैं अल्लाह का हुक्म लेकर के आते हैं इसमें। और ये कद्र की रात है, इसमें जो कुछ भी होता है, जो भी आप मांगेंगे वो आपके नसीब को बदल सकता है। मैंने कि जैसे अभी आपको बताया, मैं अभी जब वजू भी करके निकल रहा था, कि आज की मतलब आपका पूरा नसीब लिखा जाता है, और आपकी अच्छाई बुराई, आपकी बीमारी, आपका उसका क्योर, आपकी दौलत शौहरत, आपकी हर चीज़ उस पर लिखी जाती है, और आप अपनी इबादत से, आप अपनी इबादत से आप अपना नसीब बदल सकते हैं। मतलब इतना खूबसूरती है इस बात में कि आप अपनी इबादत से अपना नसीब बदल सकते हैं। और अभी आपने देखा भी होगा, मैं कुरान अभी नमाज जब मैं पढ़ रहा था, मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे जब मैं दुआ मांग रहा था, क्योंकि मेरा ये मानना, हम इंसान इतने गुनाह करते हैं, इतने गुनाह करते हैं, और
हमें उसकी माफ़ी हम पूरे साल में नहीं मांगते हैं, हमें ज़रूर से मांगनी चाहिए। क्या पता अल्लाह मियाँ कब हमें माफ़ कर दे और अपने बताए हुए रास्ते पे चलाए और नेक रास्ते पे चलाए। और मैं आप लोगों से अगेन सब लोगों से यही दुआ करूँगा कि आप लोग भी खूब इबादत करें और खूब दुआएं करें, किसी का दिल ना दुखाएं और सबसे मोहब्बत करें। और जब भी दुआ करें अपने लिए हमें भी अपनी दुआओं में शामिल रखें। जो हम लोग दुआ पढ़े, शरीन जरा दिखाओ कौन सी हम लोग किस दुआ की तस्बीह पढ़ रहे हैं। ये अब्बा ने हमें भेजी थी, ये पहले भी आई थिंक हर बार जब लैलतुल कद्र की रात आती है तो आपके पास बहुत सारे व्हाट्सएप पे अलग अलग मैसेजेस आते हैं कि आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या दुआएं कर सकते हैं। सो दिस दुआ आई थिंक ये बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही थी क्योंकि लैलतुल कद्र पे पढ़ने की बहुत इम्पोर्टेंट दुआ है। इट सेज बीबी आयशा, मे अल्लाह बी प्लीज विद हर, said, I ask the messenger of Allah, O messenger of Allah, if I know that this is the night of Qadr, what should I supplicate in it? He said, Allahumma innaka afuwun, O Allah, you are most forgiving. Tuhibbul afwa, you love to forgive. Fafu ani, so forgive me. I think you should recite this as much as you can because this is very very powerful. मिनिमम यू शुड डू इस के आप लोग जो तस्बीह होती है इसकी पूरी बीट आप जितनी भी हैं आप वो पूरी बीट आप पढ़ लें और खूब इबादत करें, नफली नमाज़ें आप पढ़ें। हमने भी नफली नमाज़ें पढ़ी हैं, डैडी कुरान शरीफ की तलावत कर रहे हैं और इसी तरीके से आप लोग दुआएं करें और इसी तरीके से हम लोगों ने खूब सारी इबादत करी और आई होप आप लोगों ने भी इबादत करी होगी और हम सबको अपने अजीज़ों को सबको अपनी दुआओं में शामिल रखा होगा। आई होप आपको ये व्लॉग भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए व्लॉग में और हम सबको अपनी दुआ में शामिल रखें। अल्लाह हाफिज़।